हेलो, वेलकम। आप सबका स्वागत है जिंदर की किचन में। चलिए, मैं ना गैस चला रही है तो मैं बनाने लगी हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने मटर ले लिए हैं, साथ में पनीर ले लिया है, साथ में तेज पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची ले लिए हैं मसाले। तो चलिए हम से स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में हम घी डाल देते हैं। आप ऑयल या घी जो चाहें ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने घी ले लिया है। फिर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें ऐड कर दीजिए घी। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। आज मैं स्पेशल ढाबा स्टाइल बनाऊंगी पनीर। तो मटर को साइड पे कर देते हैं। चलिए, इसे पनीर को जितना जरूरत है मैं उतना बनाऊंगी। अभी मैं इसको पनीर को थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। एक स्लाइस पनीर का। पनीर को साइड पर रख देती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी कहता है कि फटाफट बना दो मम्मी पनीर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फटाफट बनाएंगे। तो इसके लिए घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। तो स्पेशल पनीर बनाओ, तो आज स्पेशल पनीर बनाएंगे। तो थोड़ा सा कढ़ाई को रख दिया मैंने, घी गर्म हो जाए अच्छी तरह से। मैंने घी रख दी है, घी गर्म हो रहा है। तो हम ये पनीर का पीस इसे एज इट इज पूरा फ्राई कर लेते हैं। इसे उतारेंगे नीचे। इस तरह से पूरा पनीर का पीस मैंने रोस्ट कर लेना है। इसे फिर निकालते हैं बाहर, जब रोस्ट हो जाएगा तो निकालेंगे। दूसरी साइड से भी इसे घुमा के चारों साइड से हो जाएगा। इसे पनीर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पनीर को कर लिया है। तो इसे पनीर को निकाल के बाहर रख देते हैं। तो चलिए, हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने प्याज चॉप करे हुए हैं। मैं देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल, आपको जो भी पसंद है उसमें बना लें।
इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूंगी किस जगह चेंज कर देते हैं, मेरे को थोड़ा लग रहा है इसमें सबसे पहले तेज पत्ता, मोटी इलायची, जीरा, थोड़ा सा जीरा, सूखे मसाले मैंने ऐड कर दिए इसमें, तेज पत्ता, जीरा, मोटी इलायची, दालचीनी, इधर मैंने प्याज को चॉप किया है, इधर टमाटर भी मैंने चॉप कर रही हूँ। अच्छी तरह हो गई ये, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक कटे हुए प्याज को, प्याज और हरी मिर्च, आज स्पेशल पनीर बनाएंगे, बहुत बहुत पसंद था बच्चों के पापा को, तो चलो मैंने कहा आज बना देती हूँ, उन लोग को भी खिला देती हूँ। चलिए मसाला को भून लेते हैं, प्याज को भूनेंगे अच्छी तरह से, पिंक होने तक प्याज को भून लेंगे। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, आज से 25-30 साल पुरानी, तो मैं इसमें ही बनाती हूँ ज़्यादातर, लोहे में आयरन होता है जो कि अच्छा होता है। आजकल जो नॉन स्टिक है ना, वो अगर ख़राब हो जाए फिर मुश्किल हो जाती है। तो चलिए प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, ये टमाटर को भी मैंने कर लेती हूँ चॉप, प्याज गुलाबी हो गए हैं, तो चलिए अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, सॉरी इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, रेड चिल्ली, देगी मिर्च का तड़का, साथ में हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, चलिए मसालों को मिक्स कर देते हैं। अगर ऐसे डालते हैं तो मसाले जलने लग जाते हैं, इसे थोड़ा सा छिट्टा मार के इसे
इसको खोल कर मिलती है। इसके साथ ही इसमें हम टमाटो मैंने चॉप चॉप करके रखे हुए ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से इसे मसाले को मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो मसाला भुनता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। चलिए इसे मसाले को थोड़ी देर पकने देते हैं। दो मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी कर लेते हैं चॉप। धनिया ऐड कर देते हैं इसमें और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी अच्छी हमारी टेस्टी सब्जी बनेगी। मटर मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से हो जाए। अब इसमें हम ये मटर को ऐड कर देते हैं। चलिए मैंने मटर ऐड कर दिए इसमें, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, फ्रोजन भी ले सकते हैं, आपको जो से ठीक लगे आप वो मटर ले सकते हैं। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। चलिए इसे थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसमें। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। थोड़ी देर के लिए मटर को इसमें रहने देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी।
बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसे आधा गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया। जब तक ग्रेवी पकती है तो मैं पनीर को कट कर लेती हूँ। तो ये पनीर को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो मैं पनीर को कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। चलिए एक बार से ढक्कन को खोल देते हैं। तो हमारा मटर तैयार हो गए हैं, इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो एक बार इसमें ना आप चेक कर लें नमक मसाले, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, वैसे मैंने कभी भी नहीं चेक किए। तो चलिए इसे धीरे धीरे हिला लेते हैं। थोड़ा सा मैं सॉल्ट और ऐड कर देती हूँ, बस और सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली और ऐड कर देती हूँ। आ गए जिम से? चलो सब्जी भी तैयार है बस। अब इसमें ऐड कर देते हैं, फिर पनीर के पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, तो ये पनीर को ऐड कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी, इस तरह से आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ऐड कर देंगे धनिया, बस और कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा स्पेशल मसाला और हमारा मटर पनीर हो गया तैयार। ओ यम्मी यम्मी। देखिए मटर पनीर तैयार हो गया, तो चलिए चपाती भी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम चपाती भी बना लेते हैं, हमारी सब्जी होगी तैयार। वाह यम्मी यम्मी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, एक साइड पर रख देंगे। चपाती तैयार हो गया, जिसे मैं तवा रखूंगी, फिर बनाते हैं चपाती।
आ गए हैं, आज छुट्टी है ना 2 अक्टूबर, तो जिम से जल्दी छुट्टी हो गई। चलिए इसको मैं उतार देती हूँ। मैंने घूट के रखा इसमें ना, एक बार इसको मुक्की दे देते हैं। चलिए चपाती बना लेते हैं। मटर पनीर तैयार हो गया। उठा देते हैं, चपाती तैयार कर लेते हैं साथ में। चपाती तैयार हो रही है। चपाती तैयार हो गई है। लगा लेते हैं घी।
चपाती तैयार हो गया। चलिए मैं ना रायता भी डाल लेती हूँ और थाली तैयार कर लेते हैं। थोड़ी घी लगा देते हैं, चपाती भी घी लगा देंगे। मैंने बाउल ले लिए, चलिए मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं कर्ड, इसमें निकाल देती हूँ कर्ड। मैं बनाऊंगी रायता, इसमें ऐड कर देते हैं पकौड़ी, बहुत ही फटाफट बन जाता है रायता। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। तो रायता भी तैयार हो गया। आप चाहें तो और टेस्टी बनाने के लिए इसमें प्याज काट लें, तो चलिए मैंने थाली ले ली है, थाली तैयार कर लेते हैं। इसमें लेते हैं रायता, और साथ में ले लेते हैं आलू मटर की सब्जी। आलू मटर सॉरी मटर पनीर, तो हम ऐड कर देते हैं मटर पनीर। बहुत ही टेस्टी यम्मी तड़का स्पेशल आज। तो लीजिए पनीर की सब्जी भी तैयार है। साथ में चपाती, साथ में है चपाती, साथ में है लड्डू, साथ में है स्वीट्स। चलिए खाना तैयार है। तैयार है थाली, यमी यमी। तो चलिए थाली तैयार हो गई है, चलिए चलते हैं हम। Thank you.
खाली तैयार है, खाइए आप सब, घर में कुछ फैमिली आ सकते हैं, तैयार है खाना। मटर पनीर की सब्जी है, रायता है, साथ में है पूरी की सब्जी, साथ में है कस्टर्ड, तो लीजिए यमी यमी खाना तैयार है, तो चलिए आप सब खाइए।